दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में सही लौट कर आ गई है घर और यहाँ पर पत्र लेखा के पूरे अरमानों पर पानी फिर गया है। या इतना ही नहीं, अब पत्र लेखा ने जो हरकत की है उस पर पहले तो विराट का गुस्सा तो फूटा ही था, लेकिन अब सही जो से सबक सिखाने वाली है वो जिंदगी भर याद रखेगी। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि विराट जैसे तैसे सई को मनाकर अपने घर ले आता है। काकू और सभी घर वाले उसका स्वागत करते हैं और अब काकू को सई गले भी लगाती है और काकू का इतना प्यार देखकर सई इमोशनल भी हो जाती है और काकू कहती है कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे सब लोगों की परवाह तो रहती है ना, अब तू ठीक होकर आ गई है तो अब मेरी सारी चिंताएँ भी खत्म हो गई। काकू का इतना प्यार देखकर पत्र लेखा को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, तो वही सभी घर वाले कहीं ना कहीं सई के लिए काफी ज्यादा परेशान है और सबसे बड़ी गलती पत्र लेखा की ही थी जिसकी वजह से सई का ये हाल हुआ है। तो वही अब सब घर वालों का प्यार तो बनता ही है और सई सबका इतना ध्यान जो रखती है, अब विराट भी उसका प्यार से ध्यान रखेगा और सब घर वाले भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे जो कि पत्र लेखा से बर्दाश्त नहीं होगा और वो बार बार विराट और सई पर नजर रखने के लिए उसके कमरों के आसपास गिर मंडराती नजर आएगी और किसी न किसी बहाने से सई और विराट को परेशान करने की कोशिश करेगी। इसी बात पर सई का गुस्सा फूटेगा और वो कह देगी, क्यों पत्र लेखा दीदी, अभी भी आपका मन नहीं भरा जो आप हम पर नजर रख रही हैं, तो क्या अब आप मेरे और विराट सर के बीच में भी इस तरह की हरकतें करवाना चाहेंगी? क्या अब अजिंक्य के आने से तो प्रॉब्लम थी, तो क्या आप हस्बैंड वाइफ हम एक साथ नहीं रह सकते सुकून से, और अभी भी आपको कुछ कहना बाकी रह गया आपका? मुझे सब पता है कि आपने हरकत क्यों की और अजिंक्य ने सबके सामने ही आपकी तो हरकत बता ही दी, अब इससे बड़ी हरकत आप क्या करेंगी? अब किसी की जान लेने पर भी आप जान भी ले सकती हैं, इतना गिर चुकी हैं आप, पर इतना भी क्या मुझसे दुश्मनी है? मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह इज्जत दी है, लेकिन आप ऐसी हरकतें कर करके अपनी इज्जत कमा रही हैं, और ये क्या हरकतें, आप हमेशा मेरे कमरे के आसपास मंडराती रहती हैं और ये हमेशा नजरें गाड़े रहती हैं, फिर आप कहती हैं कि मैं आपकी इंसल्ट करती हूँ और ये आप मुझे बहाने देती हैं हमेशा ही आपकी इंसल्ट करने की, लेकिन इस गलती की मैं कभी भी आपको माफी नहीं दूंगी। आपकी जितनी इज्जत करी है उतना कम है क्या? और अब मैं आपकी इज्जत तो क्या आपको बहन तो मानती थी, लेकिन शायद हम दो आपको ये मंजूर ही नहीं है, इसलिए आपसे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। और विराट के सामने झगड़ा होने वाला है और वो भी इसके बीच में नहीं बोलेगा और पत्रलेखा को रूम से चले जाने के लिए कहेगा और बुरी इंसल्ट पत्रलेखा की होने वाली है।